तो यार गार्डियंस की लास्ट मूवी, हाँ वॉल्यूम 3 गार्डियंस की लास्ट मूवी होने वाली है। हम इस पूरे टीम को आखिरी बार एक साथ देखने वाले हैं। एंड ट्रेलर से ही ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी में भी कोई ना कोई मरने वाला है। चलो अपने इमोशन पे और डिले नहीं करते हैं, डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही मार्वल का लोगो चेंज होता है पीटर के कैसेट प्लेयर में, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट मूवी में देखा था। यही हमें उसका फर्स्ट लुक भी मिलता है उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट के साथ। इवन आगे के एक शॉट में हम पूरे के पूरे टीम को इसी सूट में देखते हैं। यही हमें गार्डियंस की नई शिप भी दिखाई जाती है, जिसे हॉलीडे स्पेशल में दिखाया गया था। जेम्स गन ने रिसेंटली रिवील किया था कि इस शिप का नाम बोवी है, इन ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी सिंगर डेविड बोवी। आपको शायद पता नहीं होगा कि गार्डियंस के मूवीज में कई सारे सॉन्ग्स डेविड बोवी के ही यूज किए गए हैं, एंड वो जेम्स गन के वन ऑफ दी फेवरेट सिंगर्स थे। वैसे क्लियरली यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर पता चल गया है कि गार्डियंस अर्थ पे आ रहे हैं। आपको याद ही होगा कि यहीं पे नो वे होम का पूरा क्लाइमेक्स हुआ था, बट यहाँ मुझे लगता है कि एक मेजर ट्विस्ट है। असल में ये अर्थ है ही नहीं बल्कि काउंटर अर्थ है। समझाता हूँ कैसे। तो कॉमिक्स में हाई वॉल्यूशनरी नाम का एक विलन था जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। वो क्या करता था कि लिविंग थिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिड बनाता था, और इन्हीं हाइब्रिड्स के लिए इसने एक नया प्लेनेट काउंटर अर्थ क्रिएट किया जो कि एग्जैक्टली हमारे अर्थ के जैसा ही था। देखो बस फर्क इतना था कि यहां इस प्लेनेट पे ह्यूमंस की जगह हाई इवोल्यूशनरी के बनाए हुए हाइब्रिड रहते थे, जैसा हमें आगे के शॉट में क्लियरली दिखता भी है। वैसे इस वाले शॉट में काउंटर अर्थ की ये सिटी मुझे तो वांडा के बनाए वेस्ट व्यू से काफी सिमिलर लगी। तो हाँ, इस पूरे सीक्वेंस से यही लग रहा है कि गार्डियंस हाई इवोल्यूशनरी के पीछे हैं, एंड मे बी ये वन ऑफ द काउंटर अर्थ होगा जिसपे उसके हाइब्रिड क्रिएचर्स रहते हैं। Come on, Drax. Seriously, dude? आगे हम मैंटिस एंड स्टार लॉर्ड को साथ में देखते हैं। वैसे फैंस को ऑलरेडी सालों से पता था कि दोनों भाई बहन हैं, बट हॉलीडे स्पेशल के बाद अब पीटर को भी पता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पीटर गमोरा की याद में है, सिंस एंड गेम के बाद से ही वो उसको ढूंढ रहा है। यहीं पे मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट शॉट था, जिससे कंफर्म होता है कि हमें रॉकेट रकून की ओरिजिन दिखाई जाएगी। आपको बता दूं कि हाई वॉल्यूशनरी ने ही एक रकून पे एक्सपेरिमेंट करके रॉकेट रकून का क्रिएशन किया था, और इस कैरेक्टर की ओरिजिन को हमें फर्स्ट मूवी से ही टीज किया जा रहा है। इवन जेम्स गन ने इस मूवी को लेकर ये बोला था कि रॉकेट की स्टोरी लाइन कम्प्लीट करने के लिए ही वो वॉल्यूम 3 बना रहे हैं, और इसी से फैंस अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस कैरेक्टर की लास्ट मूवी होगी जिसमें ये मर जाएगा। देन हम गार्डियंस को स्पेस सूट में स्पेस वॉक पर निकलते देखते हैं किसी अजीब से क्रिएचर के सामने। आगे के शॉट में हमें उस क्रिएचर का वाइड एंगल शॉट भी मिलता है, जिसको देखकर क्लियरली लग रहा है कि भाई ये किसी तरह की लिविंग थिंग और टेक का कॉम्बिनेशन है, विच मीन्स किसको भी हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया होगा। रेडिट पे कई फैंस ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक पोर्टल हो काउंटर अर्थ पे पहुंचने का, या फिर हाई इवोल्यूशनरी के सीक्रेट लैब या हेडक्वार्टर पे पहुंचने का। यही हमें एंड गेम के बाद फर्स्ट लुक मिलता है गमोरा का, और इसके बाद कई लोग पूछने लगे कि यार गमोरा कैसे आ गई, वो तो मर गई थी। तो यार आपको याद ही होगा कि एंड गेम में थानोस के साथ गमोरा भी आई थी, एंड उसी के एक डिलीटेड सीन में रिवील हुआ था कि टोनी के स्नैप के बाद भी गमोरा सर्वाइव कर गई थी। तो हाँ, ये पास्ट से आई गमोरा है। यही हमें गार्डियंस का एक पूरा शॉट मिलता है जहाँ नेब्यूला पीटर को उठाई हुई है, किसी अटैक में वो घायल हो गया होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ ये हैं कि ये लोकेशन नोवेयर है। रिसेंटली हॉलीडे स्पेशल में रिवील हुआ था कि गार्डियंस ने कलेक्टर से नोवेयर खरीद लिया है, एंड यही अब उनका बेस है, हेडक्वार्टर है। हम इवन यहाँ कॉस्मिक द स्पेस डॉग को भी देखते हैं, जो कि हमें फर्स्ट मूवी में कलेक्टर के कलेक्शन में दिखा था। एंड रूमर्स की माने तो ये कैरेक्टर भी हाई इवोल्यूशनरी का ही क्रिएशन होगा। इसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है खुद हाई इवोल्यूशनरी का, जो कि यहाँ भी किसी ह्यूमन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब ऑलरेडी मैंने इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, सिंपल में बस ये समझ लो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लिविंग थिंग्स का हाइब्रिड बनाता है, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है। यहीं पर आगे हम गार्डियंस को मोस्टली किसी तरह के प्रिजन में देखते हैं, मे बी हाई इवोल्यूशनरी ने इन्हें कैप्चर कर लिया होगा। देन है ये वाला शॉट जहां आप रॉकेट को घायल देखते हो, इवन उसके स्किन के नीचे से उसके मेटल से बने साइबरनेटिक्स पार्ट भी विजिबल हैं। एंड यार जैसा मैंने पहले बोला कि यार ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्टली हमें यहाँ रॉकेट की फुल जर्नी दिखाई जाएगी, उसके ओरिजिन से लेकर उसके डेथ तक। इवन एक शॉट में हम रॉकेट को लाइला के साथ भी देखते हैं, जो कि उसकी लव इंटरेस्ट है। इस कैरेक्टर का टीज गार्डियंस की फर्स्ट मूवी में ही मिल गया था जब उसे अरेस्ट किया गया था। देन ये वाला जो शॉट है, इसमें मुझे लगता है कि ये ज़ेंडार के लोग होंगे। अगर आपको याद हो तो वहाँ के लोग ही ऐसे व्हाइट कपड़े पहनते हैं, एंड इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने ज़ेंडार पे अटैक करके कई लोगों को मारा था, तो मोस्टली ये वहीं के कुछ सर्वाइवर्स होंगे। और मे बी ये मूवी नोवा के प्रोजेक्ट को भी सेटअप कर दे फ्यूचर के लिए,
यहीं पे हमें गार्डियंस की शिप उन पे ही क्रैश होती दिखती है। एंड एक शॉट में आप पीटर को बहुत ज्यादा इमोशनल भी देखते हो। मे बी यही सीन होगा जहाँ किसी कैरेक्टर की डेथ होगी। जहाँ तक खबर आई है, ये मूवी रॉकेट एंड ड्रैक्स के कैरेक्टर के लिए लास्ट मूवी होने वाली है। देन हमें ये क्रिएचर फिर से दिखता है। अगर आपको वॉल्यूम 2 याद होगा तो ऐसे ही सिमिलर क्रिएचर हमें वहाँ भी दिखा था, तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि मोस्टली इसको भी हाई इवोल्यूशनरी ने ही क्रिएट किया होगा। देन इसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है एडम वॉरलॉक का, और ये कैरेक्टर लिटरली एमसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विजन के फोरहेड पे माइंड स्टोन लगा था, कॉमिक बुक्स में इसके फोरहेड पे सोल स्टोन लगा था, पर ऑब्वियसली यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं। मुझे यार सही में याद है, आज से 3-4 साल पहले हम लोग इस कैरेक्टर का वेट कर रहे थे, जब से इसे वॉल्यूम 2 में टीज किया गया था। एंड जब से थानोस सोल स्टोन ढूंढ रहा था, सभी को लग रहा था कि एडम वॉरलॉक के पास ये स्टोन होने वाला है। जस्ट इमेजिन कि उस टाइम थानोस इसके फोरहेड से सोल स्टोन निकालता, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा विजन के साथ नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक के साथ ही हुआ था। पर हाँ, एमसीयू में इस कैरेक्टर के साथ कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। बस इतना समझ लो कि ये कैरेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें पूरे गार्डियंस के टीम का एक प्रॉपर लुक मिलता है, साथ ही मार्वल का पॉपुलर सर्कुलर मूवमेंट वाला शॉट। ऐसा ही शॉट हमें पहले अवेंजर्स की मूवी में दिखाया गया था, उसके बाद गार्डियंस के साथ भी ऐसा किया गया, देन इन्फिनिटी वॉर में भी इसका यूज हुआ, और फिर से हमें ये आइकॉनिक कैमरा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड इन द एंड एज ऑलवेज हमें एक फनी शॉट के साथ ट्रेलर का एंडिंग मिलता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिटेल यहाँ भी है जो कि कई लोगों ने मिस कर दिया होगा। यहाँ एंडिंग में सिल्वेस्टर स्टैलन का भी नाम है, मतलब उनका कैरेक्टर भी यहाँ हमें रिटर्न करते हुए दिखेगा। क्यों, तुमने ये डिटेल मिस कर दिया था ना? ओवरऑल ये ट्रेलर मूवी का पूरा वाइब क्लियर कर देता है कि हमें यहाँ थोड़ा फन मिलने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशन भी। फॉर श्योर ये मूवी सबको रुलाने वाली है। एंड रिलीज सॉरी की ब्रेकडाउन में थोड़ा डिले होता है, पर यार इस चैनल का एक ही मोटो है कि भाई थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन कोई डिटेल मिस ना हो। लेकिन फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट कर देना। किस किस सुपर हीरो ने कैंग को हराया है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड रॉकेट रकून की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।